गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ यूनिट 4, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लॉरेंट्स इन वेरियंस और द गैलीली. इसका हमारे पास हम जो है अब दो केसेस इसमें डिस्कस करेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम क्या लिखेंगे. कि एक तो है आपके पास गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन, जो है वो स्पेशल केस है लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस का. इसमें क्या है कि अगर इफ़ द वेलोसिटी वी ऑफ द मूविंग फ्रेम एस प्राइम इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास वेलोसिटी जो वी है ना, जो किस फ्रेम में मूव कर रहा है, एस प्राइम फ्रेम में, वो कह रहा है अगर वो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा स्मॉल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी बहुत ज़्यादा अगर स्मॉल है, इसका मतलब वी बाई सी इज़ वेरी वेरी लेस देन वन, सो दैट वी बाई सी स्क्वायर किसको अप्रोच कर जाएगा. अगर ये बहुत ज़्यादा लेस है तो इसका मतलब ये वैल्यू तो अप्रोच कर जाएगी किसको, ज़ीरो को. एंड हैंस इसका स्क्वायर भी अप्रोच कर जाएगा किसको, ज़ीरो को. सो अंडर द गिवन लिमिट देयरफॉर वी गेट एक्स प्राइम. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे पास ये वैल्यूज थी, एक्स प्राइम किसके इक्वल था, एक्स माइनस वी, ठीक है. और आपके पास वाई प्राइम किसके इक्वल है, वाई के. और जेड प्राइम किसके इक्वल है, जेड के. टी प्राइम किसके इक्वल है, टी के, ठीक है. तो यहाँ से विच रिप्रेजेंट्स अ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. सो हैंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैव बीन ऑब्टेन्ड एज अ स्पेशल केस फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ से हमने, अब देखो अगर ये वाली वैल्यू आपके पास कम हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू अगर आप ऊपर वाले रिजल्ट्स में नेगलेक्ट कर दोगे तो ये वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी ना, यहाँ से वैल्यू आपके पास. तो यहाँ से एक्स प्राइम एक्स माइनस वी टी के इक्वल आएगा, वाई प्राइम तो वाई के इक्वल है ही, जेड प्राइम जेड के इक्वल आ जाएगा, टी प्राइम टी के इक्वल आ जाएगा. तो मतलब यहाँ से आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस भी डिराइव कर सकते हैं. तो ये इसका है फर्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस. सेकेंड आपके पास क्या है इसमें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम. इसमें क्या है कि लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस हैव सुपीरियोरिटी ओवर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. वो कह रहे हैं द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस होल्ड फॉर लो वेलोसिटीज ओनली. जितने भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये सब तभी वैलिड होंगे जब आपके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्मॉल होगी. ओनली वाइल लॉरेंट्स जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं होल्ड फॉर ऑल वेलोसिटीज ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयरफॉर लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस आर सुपीरियर टू दैट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. इसलिए लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन जो सी हैं वो ज़्यादा सुपीरियर है एज दैट ऑफ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. तो ये आपके पास यहाँ पर ख़त्म होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस. अब इसी में हम जो डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिविटी ऑफ स्पेस और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. अब इसमें क्या है आपके पास, उसी तरह से देखो, हमने हर एक में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस लिए, एक एस है एक एस प्राइम है. यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड है, एक है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ठीक है. अब वो है क्या कह रहे हैं कि हम अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि लेंथ आपके पास किस चीज़ की निकालने, अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो वो कैसे आप रिलेट करेंगे. वो कह रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स. वो कह रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स में कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो हर एक ऑब्जर्वर के लिए सेम ही रहती है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. बट अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. अब लेंथ ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर के ऊपर. एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट दैट इज लेंथ ऑफ स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव. Therefore, the length of an object, say a road, is different when measured in different inertia frame of reference. इसलिए हमारे पास जो length of road है वो क्या आएगी, different आएगी जब आप measure करोगे in different inertial frame of reference में. वो कह रहे हैं अब आप इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कितना आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आती है. वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको दो इनर्शिया फ्रेम कंसिडर करेंगे, एक एस लेंगे और एक एस प्राइम लेंगे विद ऑब्जर्वर ओ एंड ओ प्राइम इन द ऑरिजन्स कंसाइडिंग एट द सेम टाइम. जब स्टार्ट करनी है तो कंसाइड करवाना पड़ेगा. दे मेजर द लेंथ ऑफ अ रोड इंडिविजुअली इन द रिस्पेक्टिव फ्रेम्स. हर एक ने, एक ऑब्जर्वर ओ ने अपनी लेंथ मेजर कर ली, ऑब्जर्वर ओ प्राइम ने अपनी लेंथ मेजर कर ली रोड की अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में. एंड फाइंड दैट बोथ गिव द सेम वैल्यू फॉर द लेंथ ऑफ द रोड ए बी. उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो दोनों की सेम लेंथ थी, कितनी थी, एल नॉट थी, ठीक है. अब
वो कह रहा है आगे आपको थ्योरी सारी समझनी पड़ेगी इसमें क्या है। आगे वो कह रहा है दिस लेंथ एल नॉट इज कॉल्ड एज प्रॉपर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो एल नॉट है, जब टी टाइम जो है उन्होंने जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कंसाइड कर रहे थे तो उस केस में प्रॉपर लेंथ कितनी है, एल नॉट है एज इट इज डिफाइंड एज अ लेंथ मेजर्ड बाय अ स्केल एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तब मेजर करेंगे जब ऑब्जेक्ट इसमें है एट रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। सो नाउ लेट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम अब मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी टू द राइट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब वो कह रहा है जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बनाया था ना एस प्राइम, वो एस के साथ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। लेट अस सपोज दैट द ऑब्जेक्ट इज लाइंग पैरेलल टू एक्स प्राइम एक्सिस इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम एंड एक्स वन डैश एंड एक्स टू डैश बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ऑफ द रोड्स इन द रेफरेंस फ्रेम एस प्राइम। और वो कह रहे हैं जो आपके पास S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें यहाँ पर जो दो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इसकी लेंथ कितनी है, इनिशियल लेंथ इसकी मान लो यहाँ से रोड की है X1 और यहाँ पर इसकी रोड है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इसकी X1 और X2 है विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कह रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वर S प्राइम फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी कितनी है यहाँ पर X वन प्राइम ये री और एक्स टू प्राइम ये एक्स वन प्राइम और ये एक्स टू प्राइम। ठीक है, तो एस डैश फ्रेम में वो ऑब्जर्व कर रहा है एक्स टू प्राइम और एक्स वन प्राइम। तो वो कह रहे हैं टी डैश प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास उसकी अगर आप रोड की लेंथ निकालेंगे तो आपके पास एल नॉट किसके कुल हो जाएगा एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम। लेट अस नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ अ रोड ए बी मूविंग विद फ्रेम एस प्राइम एज मेजर बाय द ऑब्जर्वर ओ इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज। लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ए एंड बी ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइंग इन द मूविंग फ्रेम एस प्राइम एज मेजर बाय एस। तो वो कह रहा है अगर यही ऑब्जर्वर जो एस फ्रेम रेफरेंस में है अगर वो लेंथ को ऑब्जर्व करेगा तो उसके पास लेंथ कितनी, एक्चुअल लेंथ कितनी आ जाएगी एल है और वो कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्चुअल लेंथ कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1 एज s प्राइम वॉज मूविंग टू द राइट अलोंग द x एक्सिस विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम s। देन अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास x1 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, जहाँ जहाँ आपके पास x प्राइम लिखा हुआ है ठीक है वहाँ x1 जहाँ पर आपके पास देखिए ये इक्वेशन थी आपके पास लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस की, यहाँ x प्राइम है यहाँ x1 प्राइम, इधर भी x1 आ जाएगा और टाइम है t1। तो जहाँ जहाँ हमने चेंज कर देंगे गैलीनियन ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर x2 प्राइम निकाल लेंगे, यहाँ x2 माइनस v2 बाय स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस c स्केयर बाय c स्केयर। ठीक है, अब इनका हमने डिफरेंस कराना है क्योंकि लेंथ ऑफ रोड निकालनी है, तो इस ये नीचे सेम वैल्यूज़ है, अगर 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आप 2 ही आएगा, तो सेम वैल्यूज़ का जब एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम आएगा, ऊपर वाली टर्म्स आपके एज इट इज़ आ जाएंगी। इसको जब आप आगे सॉल्व करवाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, इसके लिए क्या है आपके पास जब आप इसको सॉल्व करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा टू मेक द ऑब्जर्वर इन रेफरेंस फ्रेम एस टू बी एबल टू मेजर द लेंथ of the object A, B in S prime, he should mark the two ends A and B of the object at the same instant time. तो उस time पर T2 किसके इक्वल हो जाएगा T1 पे, तो X2 prime minus X1 prime जब difference करके आएगा same terms ऊपर से neglect हो जाएंगी with a positive sign, तो X2 minus X1 divide by this। अब हमें तो निकालनी है L की value, वो इतनी आ जाएगी, वो कह रहे हैं X2 prime minus X1 prime is the actual or proper length और x2 माइनस x1 l इज़ अ ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। l आपकी ऑब्जर्व लेंथ है, कितनी ऑब्जर्व करेंगे, और l नॉट जो है वो उसकी एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो फैक्टर आ रहा है ये है आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब वो कह रहा है इट इज़ फाउंड दैट द लेंथ गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ फैक्टर कितना, स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर and the contraction is reciprocal also, that is the observer in system S prime finds that the length of an object lying in the system S whose proper length is L naught appears to be L is equals to L naught square root of 1 minus V square by C square. This phenomena is called length contraction
और स्पेस कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉरेंट्स फिट्ज़जेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एग्ज़ाम में आता है कि लॉरेंट फिट्ज़जेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन को डिराइव करके दिखाइए। तो आपने फिर ये पूरी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन करके दिखानी है कि आपके पास जो एक्चुअल लेंथ है वो आपके पास कम होकर दिखाई देती है, और वो कितने फैक्टर से रिड्यूस होती है, इतने फैक्टर से वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये आपके पास है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब इसी में हम जो करेंगे वो है सेकेंड आर्टिकल, वो है रिलेटिविटी ऑफ टाइम और टाइम डिलेशन। अब देखिए इसमें भी आपके पास क्या है, अब टाइम में जिस तरह से लेंथ में आपके पास क्या आती है कॉन्ट्रैक्शन आती है, उस तरह से टाइम में भी कॉन्ट्रैक्शन डिले आएगा। वो क्या है, वो कह रहा है द टाइम इंटरवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स इन मूविंग फ्रेम हैविंग एनी वेलोसिटी रिलेटिव टू द रेफरेंस फ्रेम इन विच द इवेंट अकर्स एज पर क्लासिकल मकैनिक्स। वो कह रहा है कि टाइम जो है वो सेम रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट इज टाइम इंटरवल ऑफ द सेम टू इवेंट्स विल बी डिफरेंट व्हेन मेजर इन डिफरेंट फ्रेम्स मूविंग विद डिफरेंट रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि आप जब टाइम को मेजर करेंगे दो इवेंट्स को, टाइम इंटरवल जब आप देखेंगे दो इवेंट्स का, वो अलग अलग आएगा डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और डिफरेंट वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसके लिए अब आप क्या करेंगे, लेट अस ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट्स से टिकिंग ऑफ अ क्लॉक और हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन एज मेजर्ड बाय टू ऑब्जर्वर्स इन रिलेटिव मोशन। लेट अस कंसिडर फ्रेम एज प्राइम, दोबारा से वही देखो, सारी थ्योरी वही है सेम, तो देखकर आप ये ना कहना कि इतनी सारी थ्योरी है, वही सेम थ्योरी स्टूडेंट्स आगे चलती जा रही है, बस कुछ स्टेटमेंट चेंज होंगी। वो कह रहे हैं अब इसमें क्या आपने क्या करना है, अगेन उस तरह से एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस फ्रेम एस विच इज़ एट रेस्ट। लेट एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस ऑब्जर्व टू इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन फ्रेम एस प्राइम मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस एंड रिकॉर्ड्स द टाइम इंटरवल बिटवीन द अबव सेड इवेंट्स अकरिंग एट द सेम पॉइंट। पहले उन्होंने सेम पॉइंट पे रिकॉर्ड किया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टाइम इंटरवल मेजर्ड इन फ्रेम एस इज लॉन्गर देन द टाइम इंटरवल बिटवीन द सेम इवेंट्स मेजर्ड इन फ्रेम एस इज लॉन्गर देन द टाइम इंटरवल बिटवीन द सेम इवेंट्स मेजर्ड इन द फ्रेम एस प्राइम। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं टाइम डिलेशन, विच मीन्स टू लेंथन अ टाइम इंटरवल और मूविंग क्लॉक अपीयर्स टू सीन स्लो टू एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट। तो वो जो आपके पास क्लॉक होती है वो कैसी दिखाई देती है, जैसे स्लो हो गई हो तो टाइम उसके लिए बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टाइम डिलेशन बोलते हैं। इसके लिए अब आपके पास डेरिवेशन है, क्या करेंगे वैसे ही लेंगे टी वन और टी टू जो है बी द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द फर्स्ट एंड सेकेंड इवेंट्स से सक्सेसिव टिकिंग ऑफ क्लॉक एंड टू कंसेक्यूटिव हार्ट बीट्स आर रिकॉर्डेड बाय अ क्लॉक एट पोजीशन एक्स इन फ्रेम एस विच इज़ एट रेस्ट, एस रेस्ट पे है। सिमिलरली लेट टी वन प्राइम टी टू प्राइम विद द इंस्टेंट रिकॉर्डेड बाय अ क्लॉक जो एस प्राइम फ्रेम में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी। तो कह रहे हैं फॉर द सेम टू कंसेक्यूटिव इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट पोजिशन एक्स देन अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, टी प्राइम की अगर टी वन माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वेयर, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे टी टू प्राइम भी आ जाएगा। अब टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद जो है स्टूडेंट्स 202 का अगेन एलसीएम लेंगे। अगर सपोज एग्जांपल लिया हुआ है तो सेम फैक्टर्स का एलसीएम सेम आएगा, ऊपर वाले टर्म्स ये देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आएगा टी टू माइनस टी वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो इसका मतलब टी टू माइनस टी वन टी नॉट के इक्वल आ जाएगा एंड टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम कैपिटल टी के इक्वल आ जाएगा। ये हमने अजम्पशन कर ली, आर द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन द टू गिवन इवेंट्स मेजर्ड बाई क्लॉक इन फ्रेम एस एंड एस प्राइम रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू टी नॉट, क्योंकि इसकी जगह तो हमने मान लिया टी, इसको मान लिया टी नॉट डिवाइड बाई दिस। अब हमें निकालना है यहाँ से,
तो वो कह रहा है एज़ v बहुत ज़्यादा लेस है दैट ऑफ c, इसलिए आपके पास अगर v लेस है तो t बड़ा हो जाएगा. हैंस द ऑब्जर्वर इन फ्रेम s प्राइम मेजर्स लॉन्गर टाइम, तो ये बड़ा हो रहा है तो इसलिए टाइम इंटरवल s प्राइम फ्रेम में ज़्यादा बड़ा ऑब्जर्व करेगा, मतलब उसके लिए टाइम बढ़ जाएगा. बिटवीन द टू इवेंट्स एज कम्पेयर टू द टाइम इंटरवल मेजर बाय द सेम क्लॉक बिटवीन द सेम टू इवेंट्स इन फ्रेम s विच इज एट रेस्ट. तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टाइम डिलेशन. तो आपके पास प्रॉपर एंड रिलेटिविस्टिक ये आपके पास ख़त्म हो गया है. अगर इसमें दो टर्म्स आते हैं कि प्रॉपर रिलेटिविस्टिक टाइम क्या होता है, तो उसमें आप क्या बताएंगे, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट्स विच अक्कर एट द सेम पोजिशन एज रिकॉर्डेड बाय अ क्लॉक कैप्ट इन इनर्शियल फ्रेम इन विच द इवेंट्स अक्कर इज कॉल्ड एज प्रॉपर टाइम. While the time interval between the same two events measured by an observer from an inertia frame जो move करेगा moving with respect to the frame s in which the clock is kept called non-proper or relativistic time. ठीक है, तो ये आपके पास इसमें है दो defines proper and relativistic time की. और हमने जो students आज किया है, एक तो हमने टाइम डिलेशन के बारे में पढ़ा है, एक आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियोस लेक्चर, सो प्लीज़ गो थ्रू इट. थैंक यू स्टूडेंट्स.